छत्तीसगढ़ में मेयर पद के लिए उम्मीदवारी देने के बाद से आज उसके चुनाव थे, उसको लेकर आज कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के पार्षद विभूत रावत जी मौजूद हैं। मैम, क्या वजह थी जो बहिष्कार किया गया, क्या मेन कारण है? कि हमें महसूस हुआ ये फेयर इलेक्शन नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब उनके पार्टी के काउंसलर्स अंदर जाते थे, 2 से 3 मिनट वो अंदर न जाने क्या करते थे। जब स्टैंप ही लगानी है तो उसमें 3-5 सेकंड लग सकते हैं, और हम लोगों ने भी वोट डाली है, आप भी लगा के देख सकते हैं, उसमें 2-5 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन 2-3 मिनट अंदर किया जा रहा था। और हमें, क्योंकि उस तरफ बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी लग रहा था कि फ़ोटोज़ खींचने की आवाज़ें आ रही थी। जब बार बार इस बात की ऑब्जेक्शंस खड़े होकर हमारे पार्टी के लोगों ने उठाए, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने एक नहीं सुने, उसने कहा कि जी नहीं, कंटिन्यू। तो ये इस तरह से जो है ऑफिसर्स को, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशराइज करके जिस तरह से इलेक्शन हो रहा था, हमने उसका उसे फेयर ना समझते हुए, गाइडलाइंस को जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, फेयर ना समझते हुए हमने उसका बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से अक्षरशाही की भी बात कही जा रही है, तो क्या हुआ? देखिए, अगर ये एक जो इलेक्शन होता है, इट शुड बी फेयर। गाइडलाइंस जो हैं वो ऑफिसर्स को सभी पता है, और वो जब गाइडलाइंस वहाँ यहाँ पर नहीं फॉलो की गई, तो आवाज़ उठाना कांग्रेस का जो है हक था, हमने उठाई आवाज़, लेकिन उस आवाज़ पे उसे नहीं सुना जाना, ये तो पूरी तरह से यही दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन अदरवाइज़ तो वो जॉब कर रहे हैं, चाहे चलिए सरकार किसी भी की भी है, लेकिन गाइडलाइंस तो 100% फॉलो होनी चाहिए थी, या ऑब्जेक्शन हमारे दर्ज किए जाते, हमारी ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंगली बात सुनी जाती, कुछ एक्शन लेने के लिए या रोकने के लिए कुछ कहा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अकाली दल के जो पार्षद हैं, उनकी तरफ से विरोध किया गया, काले कपड़े पहन किया है, एक चिट भी थी जिसमें एक कृषि कानून के ऊपर था, तो क्या मामला था वो? देखिए, कृषि कानून आप सभी को पता है, किसको नहीं पता, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। आज हमारे किसान सड़कों पर हैं, और ये सब करने के लिए भाजपा के पास समय है, और जब हमारे किसान हैं वो अपनी बात रखने के लिए कह रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, और ठंड के मारे जब वो मर रहे हैं, ना तो उनके नेता उनकी बात सुन रहे हैं, और ना ही किसी संशोधन की, तो चलिए बात जो भी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो हमारे किसान शहीद हुए हैं वहाँ पर, वो उन लोगों की श्रद्धांजलि जो है, उसके लिए अगर हमने मौन रखने की बात रखी उस कांग्रेस अकाली पार्षद ने, तो हम सभी कांग्रेस पार्षद ने उनका समर्थन किया और हमने श्रद्धांजलि दी। और इनकी पार्टी का कोई भी काउंसलर जो है उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, और ये एक संवेदनहीनता दर्शाता है, और दर्शाता है कि भाजपा का किसान विरोधी चेहरा क्या है, और वो बिल्कुल भी किसानों के हक में नहीं है, और यही शायद रीज़न है कि वो किसानों की बात सुनने नहीं। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की पार्षद गुरबख्श रावत। इन्होंने बताया कि क्या वजहें थी जिनकी वजह से इनको मेयर पद के जो चुनाव थे उसका बैकआउट करना पड़ा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, आज प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।